देखिए, ये एक चेतावनी रैली थी प्रशासन को, ललकार पद यात्रा। आज दशा आप देख रहे होंगे कि महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है, न्याय नहीं मिल रहा, उन्हें जिंदा जलाया जा रहा है, दोषी पकड़े नहीं जा रहे, केवल जनता को हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद में भटकाया जा रहा है। और जहाँ तक एक सियाना में घटना हुई, आज उसे मुख्यमंत्री का संरक्षण प्राप्त है, मुख्यमंत्री का संरक्षण प्राप्त है। अधिकारी आज हमारे बेचारे हो गए, पुलिस को मैं आप बेचारा कहूंगा। आज इतने दबाव में काम कर रहे हैं, इनके पास धमकी आती होंगी कि आप नौकरी करना चाहते हैं कि हाथ करना चाहते कि बदलिए एपिसोड, ये नहीं था इसने मारा, फिर 3 दिन बाद बदलिए एपिसोड, ये नहीं था ये मारा। तो आखिरी में हम सोच रहे हैं कि शायद अब प्रशासन ये लिख के ना दे दे कि पाकिस्तान से लोग घटना करने आए, पाकिस्तान चले गए। योगेश राज है कहाँ? योगेश राज उत्तर प्रदेश लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी जी आदित्यनाथ के गेस्ट हाउस में है, संरक्षण में है। जैसा वहाँ से ये लोग बजरंग दल और आरएसएस के लोग बोलते हैं, वो यहाँ पर आदेश आते हैं अधिकारियों को और ये मजबूर होते हैं मानने पे। हमें इनसे कोई शिकायत नहीं है, इनके भी बच्चे हैं, इनके भी परिवार है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आज आपने क्या विशेष आपका? हमारा विषय ये था कि जो एक तो बेरोजगारी, नौजवानों को नौकरी दे, महिलाओं को सुरक्षा दे और किसानों के गन्ने का बकाया भुगतान करे, और जितने फर्जी मुकदमे बुलंदशहर में हुए हैं उनको वापस ले और सभी केसों की सीबीआई जांच की जाए। बहुत सुंदर। आज की रैली का 2019 का आगाज माना जाए? बिल्कुल, 2019 के लिए समाजवादी योद्धाओं ने, समाजवादी के लोगों ने आज क्रांति का अलग जगा दिया है। और 2019 में बुलंदशहर से लेकर पूरे प्रदेश में समाजवादी के लोग और देश में बेहुदा सरकार को और जुमलेबाज सरकार को भाग रहे हैं। शहर में कितना सीट ले पाएंगे आप? सारी जीतेंगे।